और कैसे कोई सो थिंग्स गोना बी ओके तो लगे जिंदगी में और ना मजा लगे हर दिन मुश्किल पर एक सजा मजा आया। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक्सएमएल फाइल मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करना नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ वीडियो है, वो देख के आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपका जो एक्सएमएल उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। एक्सएमएल एलाइट मोशन में पहले इंपोर्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरीके से आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर रहना है और आपको यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके ऑडियो पर जाकर आपको यहाँ पे ऑडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना होगा, उसके बाद जो ऊपर प्लस इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे आना है, आगे आने के बाद आपको यहाँ पे डबल बीट मार्क दिखाई देगा, इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसी इमेज को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डबल बीट मार्क तक ऐड करेंगे, ठीक है। लेयर पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पे डबल बिट मार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज चेंज करेंगे, ठीक है। कलर फिल पर क्लिक करेंगे, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे इमेज को ऐड करना होगा, जो भी हम लोग इमेज ऐड करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। फिर से आगे आना है, सेम इमेज को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बिट मार्क आ चुका है, यानी कि इमेज चेंज होगा। लेयर पर क्लिक करना है, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि डबल बिट मार्क पे इमेज जो है वो चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट डबल बिट मार्क पे आना है, इमेज का लेयर पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करके कलर फिल पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना होगा। ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से डबल बिट मार्क आ चुका है, फिर से हमको यहाँ पे इमेज को चेंज करना पड़ेगा। फिर से डबल बिट मार्क, यानी कि फिर से इमेज को चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट का लेयर को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब हमारा जो वीडियो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।